हेलो गाइस, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। आज इस वीडियो में बात करेंगे वेस्ट इंडीज सेंट लूसिया टी10 ब्लास्ट की एक सीरीज स्टार्ट हुई थी, ये इसके पहले मैच के बारे में। यह मैच खेला जाएगा मोन रैपर्स स्टार्स के बीच वर्सेस वीफैक्स फ्रॉट नॉर्थ राइडर्स के बीच, ठीक है। मैच पहला मैच है तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, ताकि आपको दोनों टीमों के बारे में सही से जानकारी हो जाए। इस वीडियो में हम आपको प्लेयर के टी10 करियर के बारे में, रिसेंट फॉर्म के बारे में और टीम के लास्ट 5 मैचों के रिकॉर्ड आपको बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, ठीक है। मैच खेला जाएगा 9:30 बजे इंडियन टाइमिंग के अनुसार स्टार्ट होएगा 8 अप्रैल 2024 आज ही के दिन। वेदर की बात करें तो वेदर क्लियर है, बारिश से कोई भी चांस नहीं है। वेन्यू देखें तो डेरन सेमी नेशनल क्रिकेट स्टेडियम सेंट लूसिया में मैच खेला जा रहा है, ठीक है। पिच रिपोर्ट की बात करें तो बैलेंस पिच है और बैटर को पेस बॉलरों को मदद है। एवरेज स्कोर की बात करें तो एवरेज स्कोर लो स्कोरिंग वेन्यू रहता है, ज़्यादातर ये टूर्नामेंट ही पूरा लो स्कोरिंग रहता है। इसमें 100 से 110 के करीब बनता है या 100 से नीचे भी बन सकता है, ठीक है। एवरेज स्कोर लगभग 100 का ही रहता है। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें सीजन में तो अभी तक कुछ भी मैच हुए नहीं है, पहला मैच है, ठीक है। पहले बात करते हैं मोन रैपर्स स्टार्स की। इन्होंने लास्ट 5 मैच में 5ों मैच जीत के आ रही है, ठीक है। लास्ट के 5 मैच में 5ों जीती है, तो आप अच्छी टीम है, ये मजबूत टीम है, तो इसके ज़्यादा से ज़्यादा प्लेयर लेने की कोशिश करना। बात करते हैं पॉसिबल प्लेइंग 11 की, ठीक है, जो आज के मैच में रह सकती है और क्या बैटिंग ऑर्डर रहेगा वो भी हमने सेट कर रखा है, और बेंच पे कौन से प्लेयर है सभी को आपको बता देंगे। तो वीडियो को पूरा देखना बिना स्किप करें, ठीक है। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना, ताकि आपको इस मैच से रिलेटेड सारी जानकारी मिल जावे, ठीक है। पहले बात करते हैं 5 के 5 मैच जीती है टीम। पॉसिबल प्लेइंग 11 जो रह सकती है आज के मैच में, उसमें पहला प्लेयर है सोबानिस इमुनल, ठीक है, जिसने टी10 में 17 मैच में 360 रन बनाए 27 की एवरेज से। विकेट कीपिंग सेक्शन में मिलेगा और आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर है। सिलेक्शन इसका कम है लेकिन ओपनिंग करता है और अच्छी खासी बैटिंग करता है, 27 की एवरेज से रन बनाए। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 42-2-3-28-44 रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है, तो आप जरूर ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद है जेसन सिमोन, जिसने टी10 में 17 मैच में 384 रन बनाए 32 की शानदार एवरेज से। यह भी एक अच्छा खासा बैट्समैन है, ठीक है। सिलेक्शन इसका भी आई है तो इसको भी ट्राई कर देंगे अपन, ठीक है। और रिसेंट फॉर्म भी देखें तो 9, 39, 47, 7 और 10 है, तो दोनों प्लेयर ठीक ठाक है, दोनों को ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद है रोहन लेसमर्ड, जिसने 16 टी10 में 102 रन बनाया 12 की एवरेज से। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 12-18-0-4 है, रिसेंट फॉर्म कुछ खासा नहीं है और पुराना रिकॉर्ड भी खास नहीं है, तो आप इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन आप देखो तो सिलेक्शन बहुत हाई है, ठीक है। सिलेक्शन की बात करो तो 65% सिलेक्शन है, लेकिन रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है, इसलिए आप रिमूव कर सकते हो। इसके बाद है डिस्कज हेनरी, जिसने 17 मैच में 16 ओवर की गेंदबाजी कराई, 3 विकेट लिए। बॉलिंग भले ही करवा रहा है, बॉलिंग भी लगभग हर मैच में 1 ओवर की करवा रहा है और विकेट भी 3 ही मिल रहे हैं, और यानी इसका कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिए। और सिलेक्शन की बात करें इस प्लेयर की हेनरी की अपन, तो हेनरी आपको बॉलिंग सेक्शन में मिलेगा शायद तक, हाँ सिलेक्शन भी इसका कम है, तो अपन इसको ट्राई नहीं करेंगे। रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं, 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट, लास्ट 5 मैच में 1 भी विकेट नहीं मिले। उसके बाद है सेड्रिक डेस्क्रेट्स, जो इस मैच में कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी का चॉइस है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में ज़्यादातर बहुत कम प्लेयर होते हैं जो बैटिंग बॉलिंग से कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो उनमें से ये एक प्लेयर है जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, और इस मैच में कैप्टनसी का एक अच्छा खासा चॉइस है, ठीक है। सिलेक्शन भी आप देखोगे तो 96% है और लोग भी पहले मैच में इसी को बनाएंगे। उसकी वजह यह है कि 20 टी10 में इसने 312 रन बनाया 24 की एवरेज से, साथ ही 33 ओवरों की गेंदबाजी करवाते हुए 11 विकेट लिए, यानी एक मस्ट पिक प्लेयर है, बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा और कैप्टन वाइस कैप्टनसी का इस मैच में अच्छा चॉइस है। रिसेंट फॉर्म देखें, 1 रन 1 विकेट 4 रन 0 विकेट 5 रन 2 विकेट फिर 4 रन, रिसेंट फॉर्म भी ठीक ठाक है और आपके लिए मस्ट पिक प्लेयर है। उसके बाद है ब्रेटन बेस, जिसने 13 मैच में 23 ओवर की गेंदबाजी करी 6 विकेट लिए। बॉलिंग करवाता है, हर मैच में 2 ओवरों की गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा, लेकिन विकेट इसको कम मिलते हैं। रिसेंट फॉर्म देखे इसका तो 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है, तो कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। इसका सिलेक्शन आप देखोगे तो सिलेक्शन इसका हाई है 85%, लेकिन आप चाहो तो ले सकते हो वरना रिमूव कर सकते हो। इसके बाद है स्वेनी लेडवर्ड, जिसने 12 मैच में 15 ओवर की गेंदबाजी करी है 1 विकेट लिया है, कुछ खासा परफॉर्मेंस नहीं दिए। बॉलिंग करवाता है लगभग 1 से 2 ओवर की, लेकिन विकेट कम मिलता है इसको भी। और रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 0 विकेट है। इस टूर्नामेंट में क्या होता है, ज़्यादातर बॉलरों को विकेट भी नहीं मिलते और ना ही बल्लेबाज रन मार पाते हैं, मुश्किल से 90 से 100 के बीच का एवरेज स्कोर रहता है और विकेट भी 4 से 5 ही गिरते हैं ज़्यादातर। पूरी टीम बहुत ही कम विकेट गिरते हैं, कि जब 6-7 विकेट गिर जावे, मुश्किल से 2-3। स्ट्राइक रेट भी कम रहती है बल्लेबाजों की, ठीक है, क्योंकि पिच बहुत स्लो होता है, ना रन पड़ते हैं ना विकेट गिरते हैं, ठीक है। इसलिए सभी बॉलरों को आप देखोगे विकेट कम ही मिले हुए हैं।
ठीक है। इसके बाद एक क्रिश्चियन चार्ली जो बैटिंग सेक्शन में मिलेगा, अच्छा खासा बैट्समैन है, 16 मैच में 303 रन बनाया 27 की एवरेज से, लेकिन इसकी बैटिंग पोजीशन कंसर्न है, किस नंबर पर खेलेगा वो इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 के करीब खेलता है वैसे ये, अगर नंबर 4 पर दिखाया जाएगा तो इसको जरूर ट्राई करेंगे वरना रिमूव कर देंगे। 16 मैच में 303 रन बनाया 27 की एवरेज से, रिसेंट फॉर्म देखें तो 37 44 32 0 10, रिसेंट फॉर्म भी अच्छा है। उसके बाद है मेलकिलिन स्लेवस्टर जिसने 11 मैच में 14 ओवर की गेंदबाजी करी, 7 विकेट लिए, यह भी आपको गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और एक विकेट टेकर बॉलर है, इसको जरूर ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन की बात करें तो यह आपको मिलेगा मेलकिन सेल्वेस्टर, आपको मिलेगा ये आपको 3% सिलेक्शन में दिखाया जा रहा है और ये अच्छा गेंदबाज है, विकेट टेकर है और रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। उसके बाद है जमाल लेसमर्ड जिसने 16 मैच में 27 ओवर की गेंदबाजी करी, 15 विकेट लिया, यानी हर मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी कराई और साथ ही हर मैच में विकेट भी लेता है ये। रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं, 1 विकेट 1 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 1 विकेट, लास्ट 5 मैच में 4 विकेट लिया, तो आपके लिए मस्ट पिक है। और सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन भी इसका कमी है, 34%, ठीक है। इसके बाद है किस्टन जॉल्स जिसने 14 मैच में 97 रन बनाया, 24 ओवर की गेंदबाजी करी, 8 विकेट लिए, यह भी एक अच्छा खासा गेंदबाज है, ऑलराउंडर है, बैटिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता है और बॉलिंग आपको 2 ओवरों की कंफर्म करा के देगा। रिसेंट फॉर्म की बात करें 16 0 विकेट 5 1 विकेट 20 0 विकेट फिर 1 विकेट फिर 9 1 विकेट, तो मस्ट पिक प्लेयर है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन भी आप देखोगे तो मात्र सिलेक्शन हाई है इसका, 89%, ठीक है। लेकिन फिलहाल के लिए इतने ज़्यादा प्लेयर अपन देखते हैं, बाकी किस प्लेयर को रिमूव करते हैं, ठीक है। बेंच की बात करते हैं तो बेंच पर से ये 4 प्लेयर बैठे हुए हैं, कोडी लेसमर्ट जिसने 5 मैच में 4 रन बनाए, क्योन गेस्टन 16 मैच में 24 ओवर की गेंदबाजी, 7 विकेट, इसके बाद एवन अलेक्जेंडर का रिकॉर्ड नहीं मिला और डेविड नित्राम ने 2 मैच में बैटिंग बॉलिंग नहीं करी, ठीक है। बात करते हैं दूसरी टीम वियॉक्स फ्रोट नॉर्थ राइडर्स की, जिसने 5 मैच में से 2 मैच जीते हैं और 3 मैच इनकी टीम हारी है लास्ट के 5 मैचों में से, ठीक है। इन्हों की पॉसिबल प्लेइंग 11 लेके आए, इन्हों की तरफ से पहला प्लेयर है जूनियर पीटर जिसने 15 मैचों में 188 रन बना, 16 की एवरेज से, कुछ खासा एवरेज सा ही रिकॉर्ड है इसका। रिसेंट फॉर्म देखें 23 5 0 22 है, ठीक है। इसके सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन इसका नाम है जूनियर पीटर, इसका सिलेक्शन की बात करें तो सिलेक्शन इसका विकेट कीपिंग सेक्शन में 8% है, ठीक है। अगर ऊपर मेंशन रहता है तो आप ट्राई कर सकते हो वरना रिमूव कर देंगे। इसके बाद है रिक्की मोजेस जो बॉलिंग और बैटिंग दोनों से कंट्रीब्यूट करेगा, 14 मैच में 25 रन बनाया, 65 रन बनाया, 25 ओवर की गेंदबाजी करी, 11 विकेट लिया, यानी आपको हर मैच में गेंदबाजी प्रोवाइड करवाएगा और इस टीम की तरफ से आपके लिए एक मस्ट पिक प्लेयर है, ठीक है। इसके सिलेक्शन की बात करें तो इसका सिलेक्शन लगभग है रिक्की मोजेस का सिलेक्शन मात्र 6% और एक ऑलराउंडर प्लेयर है, आप इसको इग्नोर मत करना। इसके बाद है डेक्स्टर सोलेमन जिसने 11 मैच में 16 ओवर की गेंदबाजी कराई, 14 विकेट लिए, यानी विकेट टेकर गेंदबाज है और आपको हर मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी ट्राई करवा के देगा और विकेट टेकर है, ठीक है। रिसेंट फॉर्म भी आप देख सकते हैं, 1 विकेट 3 विकेट 2 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, रिसेंट फॉर्म भी शानदार है और जरूर ट्राई करने वाला प्लेयर है, ठीक है। और फर्स्ट गेंदबाजी में आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी दे सकते हैं। उसके बाद है एवन एडवर्ड जिसने 8 मैच में 36 की एवरेज से 109 रन बनाया, 36 की एवरेज इसलिए क्योंकि लगभग 5 मैचों में ये नॉट आउट रहा था, नंबर 5-6 पर बैटिंग करता, ज़्यादा अगर मैचों में नमाज जाता है, इसलिए 36 की एवरेज है और रिकॉर्ड एवरेज सही है, तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो। इसका सिलेक्शन देखो, सिलेक्शन 70% है। उसके बाद है डैनियल एंथनी जिसने 4 मैच में 19 की एवरेज से 79 रन बनाए और रिसेंट फॉर्म देगा 26 0 विकेट 44 फिर 17 फिर 32 फिर 4 विकेट है, तो इसका भी ठीक ठाक रिकॉर्ड है, चाहो तो ट्राई कर सकते हो इसको, यह भी आपको सिलेक्शन हाई में दिखाएगा, 92%। इसके बाद है चैंस रिचर्डसन जिसने 15 मैच में 19 की एवरेज से 114 रन बनाए, रिसेंट फॉर्म 5 2 15 है। उसके बाद है अल प्रिंस जिसने 15 मैच में 12 ओवर की गेंदबाजी कराई, 8 विकेट लिए, बॉलिंग कम करवा रहा है और विकेट भी कम मिलते हैं। इसके सिलेक्शन की बात करें इस प्लेयर का, तो सिलेक्शन आप देखोगे तो मात्र 2% है, ठीक है। इसके बाद है एलन पर्पस जिसने 10 मैच में 27 रन बनाए, 16 ओवर की गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए, बॉलिंग करवाता है लेकिन विकेट कम मिलते हैं, इसलिए इसको ट्राई नहीं करेंगे। रिसेंट फॉर्म देखें 1 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट 0 विकेट। उसके बाद है ट्रोड्रे जिसने 11 मैच में 21 ओवर की गेंदबाजी करी, 9 विकेट लिए, ठीक है, इसका बढ़िया रिकॉर्ड है, आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हैं और इस टीम की तरफ से एक ये बॉलर ही ऐसा लग रहा है जो विकेट ले सकता है, तो इसको आप ट्राई करोगे तो किसको ड्रॉप करके कर सकते हो, यहाँ से आप ट्राई कर सकते हो एक विकेट कीपर को, ठीक है। जिस विकेट कीपर का भी बैटिंग पोजीशन ऊपर होगा उसको सेलेक्ट करेंगे, बाकी दूसरे को अपन ड्रॉप कर देंगे। फिलहाल के लिए जेस सिमोन को ड्रॉप करेंगे क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है इसका बैटिंग पोजीशन हमेशा नीचे ही रहता है, ठीक है, तो अपन इसकी जगह यहाँ से
एलन पर्पस को लेंगे, ठीक है। ये एक मैन बॉलर है इसका और एक अच्छा खासा प्लेयर है, ठीक है। इसकी रिसेंट फॉर्म देखें, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 1 विकेट, 0 विकेट है, ठीक है। इसके बाद एक क्रूथ एडवर्ड, 12 मैच में 25 की एवरेज से 204 रन बना, 6 ओवर की गेंदबाजी करी है, विकेट लेस गया, लेकिन एक अच्छा बैट्समैन है। तो अगर इसका भी बैटिंग पोजिशन ऊपर रहता है तो अपन इसको भी ट्राई करेंगे। इसके बाद है खान एलुक, जिसने 8 मैच में 6 की एवरेज से 51 रन बनाया, कुछ खासा रिकॉर्ड नहीं है। रिसेंट फॉर्म देखें, 2, 15, 4, 0, 12, ठीक है। इसके बाद है बेंच की बात करें तो बेंच पर ये 4 प्लेयर है, तो इन चारों में से भी कोई भी आ सकता है। तो उसके स्टैट्स हमने लिख ही रखा है, कोई ज़्यादा अनुभव नहीं है किसी भी प्लेयर के पास। कैमरो लिविन ने, लॉरेन ने 5 मैच में 4 रन बनाए, क्रिस पेम्पेले ने 2 मैच में 2 रन बनाए, कोहली सेट हिल ने 7 मैच में 8 ओवर की गेंदबाजी करी, 3 विकेट लिए, फिर एडनल ने 8 मैच में 16 ओवर की गेंदबाजी कराई, 2 विकेट लिए। यानी हर मैच में 2 ओवर की गेंदबाजी करवाई है, लेकिन इसको विकेट मात्र 2 ही मिले हैं। तो आप चाहो तो ट्राई कर सकते हो, ग्रैंड लीग का प्लेयर है, ठीक है। बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो भी प्लेयर थे, उन सभी को अपन ने ट्राई कर लिया है, लेकिन यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवाएंगे। कैप्टनसी की बात करें तो एच डेस्करस अच्छा ऑप्शन है, इसके अलावा डेक्स्टर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। इसके अलावा एक रिक्की मोजेस भी कैप्टनसी का और वाइस कैप्टनसी का एक अच्छा चॉइस है, क्योंकि ऑलराउंडर आपको बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कॉन्ट्रीब्यूट करके देगा, ठीक है। मगर यह खाली डेमो टीम है, फाइनल टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करवा देंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, साथ ही फाइनल टीम के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। धन्यवाद।